अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम बाद माजरत आई हूँ आप लोग के पास, क्योंकि मैं बिज़ी थी, नहीं बना सकी वीडियोस। लेकिन आज मैं आई हूँ अपने किसी रेसिपी के साथ, नहीं अपने बेटे की रेसिपी के साथ, जो ये एक ड्रिंक बनाता है जो बहुत ही सबको बहुत हर पार्टी में बनाता है। जब भी मेरी फ्रेंड्स आती हैं, कोई भी आता है, ये बनाता है, ये हिट जाती है और बहुत लोग लाइक करते हैं इस ड्रिंक को। तो सब ने रिक्वेस्ट की कि आप चैनल पे डालो, तो आज मैंने इसे कहा इस ड्रिंक को चैनल पे लगाते हैं ताकि सबके पास रेसिपी जाए, वो देखें और बनाएं इंशाल्लाह। तो जी लें, कैसे बनाएगा ये? I'm making my fruit slushy, my summer slushy, and yeah. इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? हमजा शो। You need forest fruit juice or summer fruit juice. Tesco. Tesco forest. Tesco. Yeah. Lychee. Yeah. Rubicon. And then Vimto. Half a cup. Vimto. बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। ये तीनों चीज़ें, एक पूरी चाहिए होगी आपको कार्टन रूबिकॉन की, और एक टेस्को की ड्रिंक चाहिए होगी, और विम्टो आपको हाफ कप चाहिए होगा। और किसी और ड्रिंक के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो फ्लेवर आता है वो अमेजिंग आता है। नाउ कम ऑन स्टार्ट इट हमजा। ओके, सो फर्स्ट यू पुट द फ्रोज़न जूस इन। And this you pour the whole can in, the whole bottle. Okay, now we're gonna put, you put up like three, half of the lychee, Rubicon, half of the carton in. More than half, isn't it? Yeah, about 3/4. 3/4, okay. And then put the Vimto in. And then you mix it. Yeah, you mix it with a spoon and put it. आप लोगों को स्पून के साथ को मिक्स करेंगे, उसके लिए आपको फिर एक और बोतल चाहिए होगी, एम्प्टी बोतल। हमजा शो इट। प्लास्टिक की ऐसे मैंने जूस की ली हुई और इसको निकाला हुआ है, सॉफ्ट चाहिए होगी। इसको आप पूरा, मैं भर के अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने आप मिक्स कर दिया था जग में अच्छे से, और इसको इस बोतल में डाल दिया। बोतल में डालने के बाद थोड़ी सी जगह बोतल में रखिएगा, अभी और थोड़ी जग में थी लेकिन मैंने थोड़ी सी जगह बोतल में रखी, आपको बताते हैं क्यों। पूरी फुल ऊपर तक नहीं भरनी है बोतल, अच्छे से टाइट कर लीजिएगा उसको। जी, ये पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है, अब इसको जी अच्छे से क्वाइट फ्यू सेकेंड्स आपको शेक करना है। उसके बाद इसको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में आप इसको रखिएगा, फर्स्ट आप रखिएगा 1.5 आवर के लिए। आप उसके बाद फिर निकाल के थोड़ा सा इसी तरह शेक करना है आपको, फिर रख देना है फ्रीज़र में इसको, ठीक है? फिर आपको, हाँ, फिर 1 घंटे के लिए रखना है, फिर निकालना है, फिर रखना है। इस तरह 2-3 मरतबा, एक एक आधे आधे घंटे में इसको निकालते रहिएगा और रखते रहिएगा। तकरीबन 2-3 मरतबा उसको शेक करके ना, तकरीबन 1-1.5 घंटे के फासले से तकरीबन 2-3 मरतबा रखिएगा, फिर उसके बाद में आपको बताती हूँ करना क्या है। हाँ जी, तो देखिए, तकरीबन 4 से 5 घंटे हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रख के फर्स्ट टाइम जब हमने रखा इसको 1.5 आवर बाद हमजा ने निकाल के इसको शेक करके, बोतल को थोड़ा स्क्वीज करके, सॉफ्ट बोतल आपको लेनी है ताकि इसको स्क्वीज कर सके और शेक कर सके, शेक करके फिर इसको रख दिया था फ्रीज़र में।
फिर रख के फिर आउट, एक घंटे बाद फिर इसको निकाल के फिर शेक किया, फिर रखा है, फिर इसी तरह कर करके दो तीन मरतबा इसको इन चार घंटों में हमने शेक किया, निकाला है, डाला है बार बार, तो देखें इसकी ऐसी सिचुएशन आ गई है, आईज इसके अंदर बन गए हैं और इतनी जबरदस्त लगती है। अभी भी इस वेदर में भी बड़ी अच्छी लगेगी, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये हमजा खुद अपने ड्रिंक को ट्राई करेगा और बहन को भी ट्राई कराएगा। How is it? Great, Hamza? You made it perfect like every time? Obviously. Good. तो आप लोग जरूर इस ड्रिंक को लाइक कीजिएगा, जैसे ये लोग इंजॉय करें आप भी इंजॉय करें। हर पार्टी की जान होती है ये ड्रिंक, बना के देखिएगा, यकीन मानिएगा सभी आपसे रेसिपी पूछेंगे इसकी और बनाने के उनका दिल करेगा इसको। और चले ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।